हाइपोथेटिकली ये बहुत अच्छा साउंड कर सकता था, लेकिन आई थिंक इम्तियाज़ अली सर ही हैं जो पूरा क्रेडिट लेते हैं, और उन्हीं की वजह से हम दोनों इस फिल्म में, जिस तरीके से उन्होंने ये फिल्म को, चाहे वो लिखा हो, चाहे वो डायरेक्ट किया हो, उसके अलावा चाहे वो कास्टिंग सोची हो, वो बहुत ही अलग ही, मतलब बहुत पहले ही उन्होंने ये कास्ट सोच रखी थी दिमाग में, एंड पूरा श्रेय उनको जाता है, पूरा क्रेडिट उनको जाता है, एंड या बिफोर कॉफी टर्न अपन कास्टिंग सोच कर नहीं 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 उसके बाद ही मैं ऑलरेडी फिल्म कर रहा था इम्तियाज़ सर के साथ, बट उनके दिमाग में आई डोंट नो तब तक क्या, मतलब मैंने कभी ऐसा पूछा नहीं कि किसकी वजह से या क्या चीज़ की वजह से, बट ऑफकोर्स आई रियली फील कि जो पूरा एक डायरेक्टर्स मीडियम होता है वो हर चीज़ के परे होता है इन सब चीज़ों में, कास्टिंग को लेकर चाहे किसी भी चीज़ को लेकर, एक 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 पेयर की तरह उनको आई थिंक ये आई थिंक दिख रहे हैं हम दोनों इस फिल्म में, और दिख रहे होंगे तब भी जब उन्होंने कास्टिंग सोची होगी, सो आई डोंट थिंक सो कि वो किसी चीज़ के को लेकर उन्होंने ऐसे सोचा था, वो एज अ फिल्म ही हमेशा से, एंड इम्तियाज़ अली सर इज़ दैट काइंड ऑफ अ डायरेक्टर और दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो जो कैरेक्टर को लेकर दिमाग में चलते हैं और एक्टर्स को उस हिसाब से आई फील कास्ट करते हैं, आज तक कि उनके जितने भी एक्टर्स रहे हैं वो मतलब काफ़ी बड़े नाम हैं या फिर काफ़ी टैलेंटेड एक्टर्स और एक्ट्रेसेस रहे हैं, तो आई रियली फील दैट इट्स अ बिग बिग अपॉर्चुनिटी फॉर बोथ ऑफ अस बीइंग अ पार्ट ऑफ लव आजकल. Sara, you had also, you know, said once, like, you know, you had used to adore Kartik and that was also one of the reason. Or Kartik, आप तो बहुत शर्माते थे पहले पहले. You know, just Sara is such a bad. हाँ, अभी भी शर्माता हूँ. Yeah, what I'm going to say, actually, you know, now like you're together and we are also really very happy to see you all together. Very good. Sweet. क्या कहूँ? Sir, come see us together for 2.5 hours on the 14th of February and celebrate love with us. Your chemistry can be seen, you know, it's happening, it's happy. And everyone is like enjoying it. That's what you need to say. So what do you have to say on that? Sara also knows that. Thank you very much. People getting this kind of love and this kind of traction before anything of the film even comes out, you know. तो 98% बहुत थैंकफुल हूँ और अभी 2% थोड़ी नर्वस भी हूँ क्योंकि अभी वैलेंटाइंस डे के दिन स्क्रूटनी तो बहुत होनी है कि देखते हैं ये है क्या लेकिन सो आई मीन रियली बट दैट असाइड आई थिंक दैट वी बोथ आई कैन स्पीक फॉर बोथ ऑफ अस व्हेन आई से दैट वी आर वेरी वेरी थैंकफुल I'm very, very grateful to all the encouragement that we get. सारा, इसके अलावा आपके डैडी ने लव आजकल की है, किस तरह की मेमोरी रही है वो टाइम की आपकी और आपने जब पहली बार लव आजकल देखी थी तो उस बारे में कुछ बताइए. सर, देखी तो मैंने इम्तियाज़ सर की सारी फिल्में हैं और सारी ही मुझे बहुत अच्छी लगती हैं. एवरी टाइम मैं ये सोचती हूँ कि मैं लव आजकल के सेट पर थी, मुझे थोड़ा बुरा लगता है कि मतलब मैं इम्तियाज़ सर के सेट पर थी और मैंने कुछ देखा नहीं, मतलब मैंने एक्टिंग देखी नहीं किसी की, मैंने शॉट्स देखे नहीं, मैं सिर्फ खाना खा रही थी और दीपिका के मेकअप के साथ खेल रही थी. तो बहुत ही स्टुपिड फील होता है. काश मैं वहाँ जाकर कुछ सीख लेती बैक देन, तो लेकिन नहीं किया. पर आपको क्या सीखने की ज़रूरत, आपके मम्मी डैडी इतने ऊंचे हुए एक्टर, आपको कोई सीखने की ज़रूरत नहीं. मैम, काश ऐसा होता, लेकिन कॉन्ट्री टू पॉपुलर बिलीफ ये रगों में दौड़ने वाली चीज़ होती नहीं है. तजुर्बा होता है दोनों मेरे माता पिता का एज एक्टर्स, जिसका लाभ मैं उठा सकती हूँ. लेकिन टैलेंट सब में अपनी होती है, इंसान सब अपने ही होते हैं और किस्मत भी हम अपनी ही लेकर आते हैं. तो ऐसा नहीं है. मैं इनकी तरफ से बोल देता हूँ, सब अपनी अपनी फिल्मों को लेकर पॉजिटिव होते हैं, हम लोग को सबको अपनी पिक्चरें अच्छी लगती है, तो हमें भी हमारा ट्रेलर
बेटर लगता है और अच्छा लगता है. एंड घर की बात है, ऐसा कुछ है नहीं कि किसी ने हाँ ऐसा बोला है. तो इट्स ऑल इन फन एंड गेम्स. आई मीन इट्स जस्ट वो भी बहुत हंसते हुए ऐसे ही बोले थे यू नो कि उनको पसंद आया. तो और फिर मुझे कॉल भी किया. हाँ, वो मुझे भी कॉल किया और कहा कि नो आई डोंट नो व्हाई सेड दैट. एंड आई सेड ये अच्छा सबके सामने बोलो योर ट्रेलर्स बेटर. अकेले में मुझे मड आइलैंड के फेरी पे फोन करके बोलो आई डोंट नो व्हाई सेड दैट. जाके बोलो सबके सामने आई डोंट नो व्हाई सेड दैट. हद है. अब बोल दिया. नया नाम आया आप दोनों को मिला जैसे सार्थिक है. सार्थिक पता है हमें. और कारा करारा सरकार. ओके सर सारा कार्तिक सरकार. There is another one. एक और है. कसारा. 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 वेरी गुड. तो मतलब अलग अलग नाम बन रहे और भी बढ़ रहे. सार्थिक सार्थिक सार्थिकियन बहुत है जी. Jee. Quite challenging also. How did you also enjoy? And like, which was the part that you? I loved you it. You had that look also where you were very, you know, like was a school boy. Jee. Kaan mein hai. Baliyan hai. बहुत ही चैलेंजिंग रोल रहे हैं मेरे लिए दोनों. मैं दो किरदार निभा रहा हूँ इस फिल्म में. आज में वीर है और कल में रघु है. दोनों ही कैरेक्टर मेरे लिए एक अलग ही एक्सपीरियंस रहा है प्ले करना. बिकॉज मैंने कभी ऐसे रोल्स नहीं किए अपने करियर में. आई थिंक ये फर्स्ट टाइम है मैं बहुत आउट ऑफ द बॉक्स जा रहा हूँ, आउट ऑफ माई ओन कम्फर्ट जोन जा रहा हूँ, जिसमें ऐसे दो कैरेक्टर्स और वो भी दो कैरेक्टर्स के साथ एक ही फिल्म में. तो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था ये फिल्म. आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ माई मोस्ट चैलेंजिंग फिल्म एंड कैरेक्टर्स जो पोर्ट्रे करने का मौका था मेरे लिए. ये आसान मेरे लिए इम्तियाज़ अली सर ने कर दिया. उनकी जो अप्रोच उन्होंने मेरे लिए रखी, साथ ही साथ मुझे इतना सिखाया. आई थिंक इट्स बीन अ लर्निंग एक्सपीरियंस. और बहुत एक ऐसा लगा कि मैं नया एक जर्नी स्टार्ट किया हूँ यहाँ से एज एन एक्टर. एंड बहुत फुलफिलिंग एनरिचिंग एक क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन जो होता है वो इस फिल्म से मुझे मिला, ये किरदार निभा के मिला है. चाहे वो रघु हो जो कि जिसकी जर्नी एक स्कूल से लेकर उसके मैनहुड तक है, वो पूरा एक विद इन अ स्पैन ऑफ मतलब कुछ सालों की कहानी है वो. और उस पूरी जर्नी में मतलब इतने चेंजेस है फ्रॉम हिज ओन, उसका कैरेक्टर ग्राफ इतना चेंज होता है. लुक्स तो चेंज होते ही रहते हैं लेकिन लुक्स से ज़्यादा उसका कैरेक्टर का ग्राफ भी बहुत चेंज होता है. साथ ही साथ ये वीर जो कि वियर्ड लग सकता है पहले ही अप्रोच में क्योंकि वो अनफिल्टर्ड विदाउट फिल्टर वाला इंसान है. वो कुछ भी बोल देता है सामने, बोल देता है किसी के. और इस वर्ल्ड में कुछ भी किसी के सामने बोल देना थोड़ा वियर्ड साउंड कर सकता है. रोबोटिक सा इंसान है, हमेशा आइसोलेशन में रहा है, फैमिली से भी अलग रहा है. तो वो थोड़ा लोगों के बीच में थोड़ा इंट्रोवर्ट है, थोड़ा अलग सा आइडेंटिटी आप आइडेंटिफाई कर पाते हो उससे कि कुछ वियर्ड बात है उसको लेकर. एंड आई रियली फील कि उसका वियर्डनेस नहीं, वो उसकी स्मार्टनेस है. वो सबसे ज़्यादा एक्चुअली इस रूम में अगर होगा तो स्मार्ट आदमी होगा. एंड टू प्ले समथिंग लाइक दैट वॉज अ चैलेंज बिकॉज वो कहीं पे भी जा सकता है. वो बहुत थिन लाइन है दोनों कैरेक्टर्स में, रघु और वीर में. बट वो थिन लाइन एक्चुअली मेंटेन इम्तियाज़ सर ने पूरी तरह से करवाई. और सारी वर्कशॉप्स, बॉडी लैंग्वेज, प्रेप्स, रिदम ब्रेक जितना भी किया, ये पहली बार सब मैं कर रहा था इस फिल्म में. और मैं बहुत सीख के जा रहा हूँ यहाँ से. मैं नहीं चाहता था ये फिल्म ख़त्म ही हो, इतना मज़ा आया मेरे को ये शूट करते हुए. कॉन्फिडेंट लड़की है एकदम. बहुत ज़्यादा मज़ा आया. मुझे लगता है कि जोई को निभाने की सबसे एक्साइटिंग चीज़ मेरे लिए ये थी. और इंटरेस्टिंग बात है कि आपने भी मुझे कॉन्फिडेंट बोला क्योंकि इसका रिलेशन इससे बहुत स्ट्रांगली है. बहुत ऑफन एंड नियरली ऑलवेज मैं बोलना चाहती हूँ, जो हम अंदर से फील कर रहे होते हैं हम बाहर से वो नहीं दर्शा रहे होते. और ये खासियत है मुझे लगता है मेरे कैरेक्टर की कि जितनी ही नाजुक, रोमांटिक, सॉफ्ट वो अंदर से है
उतनी ही ड्रिवन फोकस्ड लाउड ऑलमोस्ट अग्रेसिव वॉलेटाइल इफ यू विल वो है बाहर से. और वो जो मिश्रण है इस कैरेक्टर का वो मुझे निभाने में बहुत मज़ा आया क्योंकि इम्तियाज़ सर के साथ बैठ बैठ कर मैं सीखी हूँ और समझी हूँ कि इन दोनों के बीच में तालमेल कैसे बनाए रखना चाहिए एक फिल्म में. क्योंकि ऑलमोस्ट कुछ मोमेंट्स में सिर्फ अंदर वाली जोई होती हैं और बहुत मोमेंट्स में सिर्फ बाहर वाली जोई होती है. यू नो ही सेज़ इन द ट्रेलर ना अंदर वाली बाहर वाली, ऐसा नहीं है दैट ही इज़ जस्ट सेइंग थिंग्स बिकॉज दे आर एक्चुअली सो डिफरेंट. फैमिली वाली जोई करियर वाली जोई अलग है, अंदर वाली जोई बाहर वाली जोई वाकई ही अलग है. और मुझे लगता है कि लाइफ में ऐसा होता है आज के ज़माने में स्पेशली ऐसा होता है. जितना आप अंदर से होते हो वैसा हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर से करो. आज के ज़माने में करियर इतना इम्पोर्टेंट हो गया है, कॉम्पिटिशन इतनी इम्पोर्टेंट हो गई है, इतने लोगों के सपने हो गए हैं, इतना कट थ्रोट दुनिया हो चुका है कि इसमें कहाँ अपने अंदर की जो एक साधारण सिंपल सी एक लड़की होती है उसके सपने को कितनी हद तक हम बरकरार रख सकते हैं अपने फ्यूचर को भी मद्देनज़र रखते हुए. बहुत ही एक ऑलमोस्ट हेक्टिक चीज़ होती है जो मैं इस फिल्म के जरिए सीखने की कोशिश कर रही हूँ. तो समवेयर अराउंड एक जो आपके डायलॉग पे जो मीम बना था, यू रिसेंटली स्पोक इट, इट हर्ट्स यू, मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस हुआ. बट डू यू थिंक पीपल जजमेंट बहुत जल्दी पास कर देते हैं एंटिल अंदर देखने, मतलब समझने की कोशिश करें, या अगर अगर फिल्म देखें उसके बाद करें बात अलग है. I think it's great. You should make your judgments quickly because in the age of social media, you'll take it back also quickly. Jitni aasani se aap bologe ye shot mere ko acha nahi laga, utni aasani se aap shayad dekh ke bologe ye kitna acha shot hai. Jitna hi aap bologe ye gana zyada sahi nahi, teen baar sun ke bologe wow it's my favorite song. Aaj ke zamane mein jo bhi bola jaye itna tajurba dene ki zarurat nahi hai. Matlab jo bhi hai tawajjuh. Tajurba experience dene ki zarurat nahi. Nahi lekin sorry. Importance. Itna nahi dena chahiye. I think बहुत आवन जावन होता है आज के ज़माने में ऑलमोस्ट. ओपिनियंस स्पेशली बनते हैं टूटते हैं, बनते हैं टूटते हैं, बनते हैं टूटते हैं. और आई डोंट टेक इट टू सीरियसली. शी ट्राइज बाहर वाली सारा इज मैच्योर इन हर थॉट्स. सारा जी जैसा कि आपने मुझे बताया कि इम्तियाज़ जी के साथ हमें बहुत सीखने को मिला, तो यही वो रीज़न है कि इम्तियाज़ जी के साथ में आप और एक फिल्म कर रहे हैं. जी मैं इस बारे में अभी कुछ बात, मतलब आई थिंक इम्तियाज़ अली सर से ये क्वेश्चन पूछा जाए तो बेटर है. बाकी जी मैं और जी मैं ओम राउत जी की फिल्म कर रहा हूँ अगली फिल्म, जो कि मेरी पहली एक्शन फिल्म होगी. और काफ़ी टाइम से मुझे एक एक्शन फिल्म करनी थी, एक अगेन एक जॉनर जिसका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ. एंड ताना जी देख के आई वॉज ब्लोन अवे विद द फिल्म, जिस तरीके की वो फिल्म है, जिस स्केल की वो फिल्म थी, और इनके जो और जो विजुअली या फिर जो ओम राउत का एक सेंस ऑफ विजन है वो बहुत आगे की सोचते हैं. सो आई रियली आई एम ग्लैड कि उनकी नेक्स्ट मूवी का हिस्सा मैं बन पा रहा हूँ. तो मेरी नेक्स्ट फिल्म मैं उनके साथ एक ओम राउत के साथ फिल्म कर रहा हूँ. मैं कार ड्राइव कर रहा था और बच्चों की बस वहाँ से जा रही थी, स्कूल बस थी, और उन्होंने देख के वो होता है जनरली वो चिल्लाने लगते हैं, वो बहुत खुशी अच्छा लगता है जब ऐसे होता है. बट वो गाना गाने लगे तो और भी अच्छा लगे, धीमे धीमे गाना लगे सबके सब, और पूरी बस के स्टूडेंट्स गाने लगे. मेरा तो मन कर रहा था कि मैं बाहर भी आ जाऊँ गाड़ी के और नाचने लगूँ वहाँ पे, बट वो सिग्नल था तो वो ट्रैफिक होने के चांसेस थे तो हम लोग निकल गए. लेकिन बहुत अच्छी फीलिंग आती है जब बच्चे भी आपके किड्स दे सिंग योर सॉन्ग एंड दे नो इट बाय हार्ट. मतलब मैं रियली चाह रहा हूँ अभी, अब ये चीज़ आई थिंक हाँ मैं गलत के साथ हो रही है. बहुत लोग, बहुत बच्चे डांस कर रहे हैं, बहुत लोग हमारे गानों को लेकर एक्साइटेड हैं. तो आई रियली फील कि अगली बस में या फ्लाइट में जाएं तो सब लोग हाँ मैं गलत गा रहे हैं. जैसे अपनी जर्नी के बारे में बात करूं, बीइंग एन आउटसाइडर या कोई सपोर्ट नहीं, हाउ डू यू लुक एट
आई एम प्राउड ऑफ माई स्ट्रगल. आई एम प्राउड कि इतने जितने भी साल लगे या लेकिन जो भी है, मेरे को मुझे लगता है कि पिछले डेढ़ साल से दो साल से मेरी जर्नी का एक ये दूसरा पड़ाव चालू हुआ है. आई थिंक सोनू वॉज लाइक अ रीलॉन्च फॉर मी एंड वहाँ से मेरी जर्नी आई रियली फील बिफोर सोनू एक अलग जर्नी चल रही थी एंड आफ्टर सोनू आई एम गेटिंग दोज अपॉर्चुनिटीज़ दोज डायरेक्टर्स जिनके साथ मुझे काम करना था. माई फेवरेट बींग इम्तियाज़ अली सर, जिनके साथ ये मौका मुझे अब जाके मिल रहा है एंड फाइनली ऐसे किरदार निभाने का मौका मिल रहा है जो मैं हमेशा से शायद करना चाहता था या फिल्मों का जिनका हिस्सा भी बनना चाहता था. और लव आजकल इज़ वन ऑफ दोज फिल्म जो मेरे लिए अगेन मुझे ऐसा लगता है एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस रहा है एंड आई थिंक ये भी जैसे सोनू मेरे लिए रही थी शायद से लव आजकल भी करियर टर्निंग फिल्म है. ऐसा कुछ अगर होता है तो हम लोग रोज वैलेंटाइंस डे मनाते हैं. ऐसा क्या वैलेंटाइंस डे एक ही दिन नहीं होता. लव आजकल देखने जरूर जाएंगे वैलेंटाइंस डे पे इस बार. और प्लान कैसे बताएं यार, ऐसे ये आपस की बात है हमारी. अभी भी स्कूल में ही हम और लाइफ इज अ स्कूल. सारा जी स्कूल में कुछ स्कूल वाला वैलेंटाइन डे खाने से प्यार. खाने को छोड़ दिया, छोड़ना पड़ा खाना. बहुत I swear, ऐसा नहीं है. ऐसा है नहीं. कसम खा रही है. नहीं है ऐसे. मैं अब फूड के साथ ही वैलेंटाइंस डे बनाता हूँ. मैंने खाने को नहीं छोड़ा, मेरे साथ खाना रहता है. क्या बोलूँ मैं, कौन सा एक्सपीरियंस. स्कूल वाला होता है ना, स्कूल वाला प्यार. स्कूल वाला पहला क्रश. स्कूल क्रश वो सब टीचर पे कॉलेज. ये अपनी बात बता दी. ये अपने अंदर की बातें बता रहे हैं. सिमरन क्या तुम लगे स्कूल वैलेंटाइंस डे. आई थिंक मैंने भी स्कूल में मैंने लव आजकल देखी थी. पूरा आंसर मैंने अभी क्या पूरी डिटेल में जाओ. आपने अपना एक वीडियो शेयर किया था जिसमें आप मोटी और विदाउट शाइन द वे आपने वो वीडियो शेयर किया था. सो बहुत सारे लोग हैं वो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे, तो क्या आप कुछ बताना चाहेंगे कि वेट कैसे पुल डाउन करेगा, किस तरह से हेल्दी लाइफ जी. मुझे लगता है कि संतुलन बनाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. वर्कआउट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसका लेना देना सिर्फ आपके लुक से नहीं है, आपके मेंटल हेल्थ से भी है. जितना आप वर्कआउट करेंगे, ज़्यादा करने की भी ज़रूरत नहीं है जैसे मैंने कहा, संतुलन में और मात्रा में. लेकिन एक घंटा, एक डेढ़ घंटा रोज़ अगर आप वर्कआउट करेंगे, आपको अंदर से भी बेहतर लगने लगता है. और अंदर से जब आपको बेहतर लगने लगता है तो आप ज़्यादा मोटिवेट भी होते हैं. और जब आप ज़्यादा मोटिवेट भी होते हैं तो आप ज़्यादातर सही चीज़ें करने की कोशिश भी करते हैं. जैसे अगर मैं सुबह उठकर वर्कआउट करूँगी एक घंटे के लिए, फिर मेरे दिमाग में चलता रहेगा कि अभी 5 चॉकलेट खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर फ़ायदा नहीं होता है जो आपने किया उसका. तो आई थिंक ईटिंग हेल्थी, वर्किंग आउट, स्लीपिंग राइट, ड्रिंकिंग वाटर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नॉट गिविंग अप. क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि हर रोज़ आपका 1 इंच घटता जाएगा. बहुत बार ऐसा मुझे आज तक मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं डाइट करूँगी, वर्कआउट करूँगी, सब करूँगी और हफ्ता चला जाएगा, 2 हफ्ते चले जाएंगे और मैं बिल्कुल पतली नहीं होंगी, मेरा वेट बिल्कुल नहीं घटेगा. लेकिन और ऐसे में बहुत आसान हो सकता है कि आप बोलो चलो यार छोड़ो, नहीं हो रहा, गुलाब जामुन ले आओ. लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए. कर सकते हो, ऐसे नहीं करना चाहिए, बस कोशिश करनी चाहिए बार बार. सारा साहब रिसेंटली रोहित शेट्टी सेड कि वी वांट यू एंड सारा, मतलब यू एंड कार्तिक इन चेन्नई एक्सप्रेस करीम में. सो एनी थॉट्स ऑन दैट, बिकॉज़ ही इज बाइंग द टिकट. वी आर ऑन आवर वे, ऑलरेडी वी आर गोइंग. कैन यू कॉल हिम बैक. मैं अभी कॉल कर रहा हूं. नहीं, ये कब से बोलोगे, आई एम कॉलिंग, जस्ट कॉल हिम अप.
God. This is not something to forget, Rohit sir. He's joking. Can't he fight didn't like forget. That he's on very camera. Busy. We can't do that. No, no. We can. No, of course, we can. You're not okay, calling Rohit sir. No, no. We'll call Rohit. Yeah, Rohit sir, we are calling हम you. हम call कर रहे हैं. हम आ रहे हैं. आप हमें कौन तो नहीं कर रहे हो ना? हम आए, 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 आए. हम आ रहे, हाँ? आ रहे चेन्नई एक्सप्रेस लेकर. अच्छा, आपके this is the best gift you can give our team sir. वो ऑडियंस वाले भी चाहिए. नाश की काफी, आपसे प्लस शेड का काफी लोग बोलते हैं, तो उसको लेके आप क्या कहना चाहिए? मैं काफी वो प्यार कर दिया आपसे, खतरनाक सलमान खान के सामने बोल रही है एकदम. वो खतरनाक बोल रहे हैं सर. बहुत अच्छी बात है. शहनाज अगेन जिस तरीके से वहाँ पे हम लोग गए थे, साथ में गए थे बिग बॉस में जब गए थे, वो वहाँ पे भी जिस तरीके से रिएक्ट करती हैं और जो उनके दिल में आता है वो बोल देती हैं, तो वो बहुत बहुत ही अच्छा लगता है जब ऐसे कोई इंसान सामने से अपफ्रंट होके विदाउट थिंकिंग बोलते हैं. तो वही शहनाज की खासियत है. एंड आई रियली एंड आई वॉज ग्लैड आई मेट हर ट्वाइस इन बिग बॉस हाउस. एंड वो बहुत ही अलग एक्सपीरियंस रहता है जब भी मिलते हैं. तो वो कुछ ना कुछ करती है. पोर्ट्रेट बना दिया था लास्ट टाइम एंड उन्होंने बोला था, मैंने इंस्टाग्राम में वो पोस्ट किया था उनका पोर्ट्रेट घर ले जाके, तो वो मैंने प्रॉमिस निभाई थी. मेरी मम्मी बिग बॉस बहुत देखती है. मम्मी बहुत देखती है. फोन भी लगाया था. हाँ, फोन भी लगाया था. शी लव्स शहनाज. आई थिंक शे हाँ शी लव्स शहनाज जीतनी चाहिए. काफी स्ट्रगल रही है. डर्टी प्रमोशनल वे आई कैन से प्लीज आइए और हमारी फिल्म देखिए. बट जोक्स अबाउट आई टेल यू दैट इन द पास्ट वन ईयर I've spent like all my energies on this film. And as an actor, there's nothing more than full honesty and conviction that you can give any role that you do. Bahut imandari, bahut sachai se ye film banayi hai. Aur main apne kaam ko lekar bahut hi zyada possessive hoon. To mujhe nahi lagta isse zyada koi gift main waqai kisi ko de sakti hu. I think that please come and watch the film on Valentine's Day. Kya sir, kya sawal? This Valentine's Day, it's a perfect gift to the couple, to the lovers. Audience. अरे हम दोनों आ रहे हैं ना, हम यही 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 हम दोनों आ रहे हैं लव आजकल लेकर 14 फेब को, और बहुत प्यार वाले दिन में आ रहे हैं, प्यार वाली चीज़ें लेकर, और आपको बहुत प्यारे लगे, बस यही होप करते हैं. 14 फेब लव आजकल देखने चले जाइएगा. सारा आपका ये पूछना चाहिए, मतलब आपका फिल्म का टाइटल 2020 है लव आजकल, मतलब जमाना बहुत इंस्टेंट है, तो इन रियल लाइफ सिर्फ लव आजकल टाइटल है. Ma'am, I think it's very, love is something that stands the test of time, you know, and it's something that you cannot express in words. And I think that the less you say about it, the more beautiful it is as a concept. Is par filmein banni chahiye, baatein nahi honi chahiye. Mera wo manna hai. True love pe believe karta hoon. I really feel ki compassion hona bahut ज़रूरी है एक रिलेशनशिप में, और साथ ही साथ आई फील कि डेफिनेशन कोई लव की नहीं हो सकती, बिकॉज वो फीलिंग है, वो बयान नहीं की जा सकती. और मतलब मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि आपको बस बहुत अच्छा लगना चाहिए एक रिलेशनशिप में, सफोकेशन नहीं होना चाहिए. थैंक यू.